भाई आज हमारे साथ ना कांड होता होता रह गया। सुबह 4 बजे उठ के भाई जो मेहनत करी थी ना, ये देखो ये पराठे और आलू की सब्जी भाई। अब हमने मतलब पूरी कैंपिंग तो आज करी नहीं, लेकिन कुछ तो करेंगे ना थोड़ा बहुत। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। भाई निकल रहे हैं आज धर्मशाला की तरफ, तो आज का स्टे देखते हैं जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ तक का रहेगा। चलो मिनट निकलो बाहर। और टाइम शेड्यूल टाइम था सुबह 6 बजे का और 6:15 हुए, सिर्फ 15 मिनट लेट है, कोई दिक्कत नहीं। 4 बजे उठ के भाई नाश्ता वास्ता सब बना लिया, सब रेडी कर लिया। और हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता रहे आज के, देखो ये कर्मठ कार्यकर्ता हैं जिन लोगों ने सुबह उठ के चाय नाश्ता सब बनाया। शेखर भाई एकदम रेडर्स क्रू की टी शर्ट में ऑल सेट, अभी हम एक रील बनाने वाले थे, उसको शूट कौन करेगा? मैं। तो ये शेखर का सामान है भाई, अभी जितना ये दिख रहा है ये और अभी ऊपर से सामान लाना है। कौन सा काम नहीं आएगा? कैंपिंग का पूरा सब। हाँ मतलब पूरा कैंपिंग का सामान है, तो ये शेखर का, ये सेट करेंगे और ऊपर से लाते हैं, उसको भी सेट करेंगे। देखते हैं भाई इसूजू की डिक्की छोटी ना पड़ जाए आज। ये पेलिकन वाले बॉक्स में भाई हमारा सिलेंडर आ गया, ये उसका हवा का प्रोटेक्टर आ गया, बाकी बहुत सारी टेंट वेंट बर्तन काफ़ी सारी चीज़ें इस पेलिकन वाले बॉक्स के अंदर फिट हो गई हैं। तो इसको करते हैं सेट। राघव लिया बेटा कुर्सी लिया। ये हो गए हमारे खाने वाले डब्बे सेट भाई दोनों, इसमें सब दालें वाले और सब बिस्किट विस्किट जो भी बाकी चीज़ें इन दोनों डब्बों में सेट हो गया। तो ये हमारे सोने के गद्दे वद्दे हो गए भाई, ये शेखर का बैग है, अभी हमारी एक अटैची बची है और एक दो बैग और बचे हैं। लगभग लगभग डिक्की पूरी भर गई है भाई। तो भाई शेड्यूल्ड टाइम से आधा घंटा लेट चल रहे हैं हम लोग और दिन निकल गया पूरी तरह से, पसीनों से बुरा हाल हो रखा है भाई। सुबह सुबह इतने ह्यूमिड हो गया, मतलब थोड़ा तो सामान वामान रखने में और इसमें एग्जर्शन होती है इसलिए पसीने आ रहे हैं, और वैसे भी ह्यूमिड बहुत ज़्यादा ही है। तो अभी देखते हैं भाई धर्मशाला और उधर कितनी ठंड मिलने वाली है, मतलब ठंडा बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा बट हाँ एक रीजनेबल टेम्परेचर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। भाई आज हमारे साथ ना कांड होता होता रह गया क्या, ये देखो ये डीले पड़े हैं। और ये डीले क्यों पड़े हैं? क्योंकि उस दिन फैक्ट्री में जब टायर चेंज कराया था तो राहुल ने जैक से उतारने के बाद इसको टाइट ही नहीं किया, और जो स्टेयरिंग में इतनी प्ले आ रही थी ना तब समझ में आया कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इससे पहले कि हम बहुत हाई स्पीड पर जाते और ये निकलता, हमने भाई इसको देख लिया, मतलब आज का दिन अच्छा था, नहीं तो कांड हो जाता भाई, बहुत तगड़ा कांड हो जाता भाई। बच गए आज, है ना, मतलब भगवान की क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही असीम कृपा रही है हमारे ऊपर, आज बच गए, नहीं तो अगर और थोड़ी देर ध्यान नहीं जाता तो कांड हो जाता। देखो रतिका कर रही है नींबू के नशे, ये देखो सूंघ के दिखाओ। ओहो भाई स्टोरीज पे रुके एक बार, टेंट वेंट लेने रात के टाइम आपने देखा होगा। कहाँ पे कौन बुला रहा है? ना ना कोई दिक्कत नहीं, आप तो ले लो सामान, ले लो फटाफट चलते हैं। ये भाई स्टोरीज, ये देखो यहाँ पे चलती है पार्टी, खाट वाट बिछी हुई है और वो बीच में पूरा एक वो है डांस फ्लोर और वो सब है। शाहपुरा में जाम मिल गया भाई सुबह सुबह, 8 बजे का टाइम है और 8 बजे ही जाम लगा हुआ। खैर यहाँ पे काम चल रहा है ना, ये जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है ये तो जाम रोज ही लगता है, हमेशा ही 24 घंटे जाम रहता है। तो भाई राजस्थान से भरा रहे हैं 94.33 रुपये का डीजल, इसके बाद भराएंगे हरियाणा में एकदम सस्ता वाला। सुबह 4 बजे उठ के भाई जो मेहनत करी थी ना, ये देखो ये पराठे और आलू की सब्जी, ये अब काम आ रही है, गाड़ी में बैठ के चल रहा है पूरा खाना पीना एकदम। ये वाला टूर भाई हमारा रहने वाला है एकदम इकोनॉमिकल वाला, मतलब हम लोगों ने अपना पूरा कैंपिंग का सामान, खाना वाना बनाने का पूरा सामान रख लिया है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस बार मैक्सिमम टाइम का खाना हम लोग खुद ही बनाएं, और रहने के लिए भी हम लोग कोई होटल रिजॉर्ट नहीं लेंगे, अगर लेना पड़ा तो कोई हॉस्टल, ज़्यादा ज़्यादा मतलब कोई हॉस्टल ले लेंगे बंक बेड वाले, इस तरह की चीज़ मतलब फुल इकोनॉमिकल वाला रहने वाला। 2 दिन 30 तारीख और 1 तारीख को तो हमारा कैंपिंग ऑलरेडी डिसाइडेड है ही, लेकिन आज और कल 2 रातें जो है ना ये भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ कैंपिंग जैसा ही करें। प्रॉपर कैंप नहीं लगा पाए तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई हॉस्टल बंक बेड ऐसे जो 200-400 रुपये वाले बेड मिलते हैं सिर्फ वैसा कुछ लेंगे, और खाना अपना खुद ही बनाएंगे। जो सामान लेकर चल रहे हैं अपन, सब्जी वब्जी हर चीज़ लेकर जा रहे हैं इस बार अपन, तो फुल मज़ा आने वाला भाई। ब्लॉग में एंड तक जरूर बने रहें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो में डेफिनेटली मज़ा आएगा ही आएगा, तो इसलिए इसको शेयर भी कर देना। NH8 को छोड़ के भाई हम लोग चढ़ गए नारनौल वाले हाईवे पे, मतलब जो सीधा अम्बाला निकालेगा। और जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं ना भाई, वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि मैं इस हाईवे से कितनी बार निकल चुका हूँ, मतलब कितनी बार इस हाईवे पर आना जाना हो गया पिछले 1.5 साल में। तो जो रेगुलर देखता है वही बता सकता है, तो जो बताएगा उसके लिए भाई, एक जो एग्जैक्ट सही बताएगा उसके लिए गिफ्ट जरूर भेजूंगा, जिसने बिल्कुल सही बताया उसके लिए।
भाई 2 विकेट तो डाउन हो गए जो सुबह 4 बजे उठने वाले कैंडिडेट थे ना, मीनू भी झटके मार रही है, पीछे रतिका भी सो गई और दो जवान आदमी सिर्फ जाग रहे हैं। नारनौल वाले हाईवे पे चढ़ गए भाई, जो राइट में वो सॉरी अंबाला वाले पे, और यहाँ पे देखो स्पीड कैमराज लगे हुए हैं, तो भाई गलती ना करें, अपनी 85 की स्पीड है, यहाँ पे 100 की अलाउड है इस पे, तो ओवर स्पीड का चलान आ जाएगा, इसलिए स्पीड का थोड़ा सा ध्यान रखें। और थोड़ी दूर पे कैमरे लगे हुए हैं और सब वर्किंग में भाई। हिसार आने वाला है, मतलब लेफ्ट साइड में हिसार रह जाएगा, और ये हाईवे ऐसा है अगर साथ में लोग ना हो ना तो अकेले आदमी तो चलते चलते नींद ही आ जाएगी। कुछ करने के लिए नहीं है, कुछ देखने के लिए नहीं है, मतलब सीधा सीधा बढ़िया हाईवे है। अरे क्या देखना, क्या मतलब कुछ तो देखने के लिए ना देखो क्या वो है नहीं है ये देखो भाई 4.5 घंटे और लगभग 330 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद पहला ब्रेक लिया हमने, मतलब ये जो अभी नारनौल वाला जो हाईवे अंबाला वाला जो हाईवे चल रहा है उसी के ऊपर एक टॉयलेट ब्रेक लिया है, गाड़ी में तेल भी भराना है, तो फ्रेश हो लिए थोड़ा, टॉयलेट वॉयलेट कर लिया, खाने के लिए कुछ देख रहे हैं, कुछ छोटा मोटा मिल जाएगा तो खाने के लिए भी ले लेते हैं यहीं से, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही है ना अभी, तो क्या बनाए यहाँ पे। तो हरियाणा से टंकी फुल करा रहे हैं भाई, 89.56 का रेट है, 4 रुपये तो बचेंगे कम से कम, यहाँ से टंकी फुल कराएंगे फिर इससे अगली फुल कराएंगे हिमाचल में। ये वाला जो टोल है ना भाई, इस पर हमेशा इतनी भीड़ रहती है हमेशा, और ये टोल कटते ही, जस्ट कटते ही हम 500 मीटर मतलब 500 मीटर भी नहीं चलेंगे और हमें राइट मुड़ना है, मतलब ये इसका कोई इलाज नहीं, ये टोल हमें हमेशा देना पड़ता है। बस सिर्फ आपको श्रीनगर जाना हो, जम्मू साइड जाना हो तो इससे सीधा जाना है, तो जब सीधा जाओगे तब तो ये ठीक है, टोल यूसेज है, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। मनाली रह गया 285 किलोमीटर जस्ट, बट इस बार हमें मनाली नहीं जा रहे हैं, इस बार हम जा रहे हैं धर्मशाला, मैक्लॉडगंज धर्मशाला वाले रूट पे जाएंगे। ये सामने वाली गाड़ी का नंबर है DNC 0069, तो भाई ये DNC कहाँ का नंबर है ये मुझे तो नहीं पता, आप लोग कमेंट में लिख के बताना कि DNC कहाँ का नंबर है। ये जा रही है भाई जिमनी, एकदम स्टॉक पोजिशन की जिमनी है, मतलब अभी इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रखी है, एकदम पतले पतले से टायर हैं, और मतलब अजीब सी लग रही है पीछे से, तो बिल्कुल अजीब सी टायर पतले सब एकदम, हाँ मॉडिफाई कराने के बाद तो थोड़ी ठीक लगती है, बट नॉर्मल जो ओरिजिनल लुक्स हैं वो इतने बढ़िया नहीं है। पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं भाई, लेकिन कैमरे में पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, मतलब लेकिन क्योंकि हल्की हल्की धुंध आ रही है ना, इसलिए हो सकता है कि मोबाइल के कैमरे में ना आए, बट आँखों ने तो कैप्चर करना शुरू कर दिया है और पहाड़ दिखने शुरू हो गए, फील आ गया कि पहाड़ की तरफ जा रहे हैं हम लोग। मनाली का आ गया भाई राइट साइड में कट, ये राइट में गया मनाली, कौन से पे हमें ऊपर चढ़ना है क्या, नहीं हमें जाना है, हमें इस पे जाना होगा, नहीं नहीं मनाली के लिए तो ये किला ये फ्लाईओवर गया, और हमें जाना आनंदपुर साहिब इस पे। सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये जो फ्लाईओवर गया ना ऊपर से, ये जो घूम के गया ये वाला, ये मनाली जा रहा है रास्ता जिससे हम हमेशा जाते थे। मैं वापस वापस आएंगे मनाली, बाय। एक ब्रेक के लिए रुके हैं भाई, और ब्रेक के लिए रुके इसलिए कि हमारे को बनानी है शिकंजी, शिकंजी के लिए हमारे को चाहिए नींबू, और ठंडा पानी तो है नहीं, बर्फ है, बर्फ कच्ची बर्फ है, वो थोड़ी डालोगे, अच्छा पक्की बर्फ है। तो भाई शिकंजी बनाने की तैयारी हो गई है, ये भाई गिलास टेढ़ा ना हो जाए, ये देखो गिर ना जाए। रतिका रतिका निकाल रही नींबू का रस, शेखर ढूंढ रहा है ठंडा पानी, और नमक और चीनी आ गया, जाली वाले उसमें कीप, हाँ कीप तो अभी निकाल लेंगे, पहले ये चीनी मिला रहे हैं, मतलब हमारी जो कैंपिंग का पहला वो पहला पड़ाव जिसको हम पहली चीज बना रहे हैं, पहली चीज हमने बनाई है शिकंजी, यहाँ पे चीनी डाली जा रही है, यहाँ पे नींबू का रस निकाला जा रहा है, ये देखो इतना सारा नींबू का रस निकल गया है, और अब बनने वाली है बहुत ही भयंकर शिकंजी। तो ये हो गई भाई हमारी शिकंजी तैयार,
बहुत ही बढ़िया। मीनू खा रही है केले काट के, मीनू को शिकंजी पीनी नहीं है। तो ये था भाई हमारा सेकंड ब्रेक, यहाँ पे अपन ने शिकंजी विकंजी बनाई, मजा आया क्योंकि खुद बना के भी तो मजा आया। हालांकि सामान एक बार पहले पूरा निकालना पड़ा, चीज अंदर अंदर तक दबी हुई थी, लेकिन ठीक है 10-15 मिनट लगे, मजा आया। कहीं पे भी बैठ के ऑर्डर देते तो भी इतना टाइम लगता है, पूरे से बनता भी नहीं। ऐसा नहीं बनता यार, खुद के हाथों से जो स्वाद आता है ना उसका कोई मुकाबला नहीं है। पूरा भी तो अच्छा लगता है। अभी तो हम दारू भी पियेंगे जो घर से बना कर लाए ना, कच्ची पहली धार की दारू। अच्छा वो पियोगे, क्योंकि सब घर का ही करना है ना। ओके हम पहुंच गए भाई आनंदपुर साहिब। ये है बस अड्डा, ये जो पीछे दिखाई दे रहा है ये आनंदपुर साहिब का बस अड्डा है। गुरुद्वारा तो शायद मेन रोड पे दिखा नहीं अभी तक, आगे आएगा या कहीं साइड में है। तो ये हम भाई अभी भाखड़ा नांगल डैम के एरिया में, मतलब नांगल के एरिया में है। ये सब अभी कहाँ कहाँ से अंदर घूम फिरा के ये रोड कहाँ कहाँ से ले जाएगी। डैम दिखा नहीं अभी कहाँ है, खैर डैम अच्छा डैम बहुत अंदर है। मीनू ने तो देखा हुआ है, जब ये छोटे बच्चे थे ना तब इनको दिखाया था, पूरी अंकल ने दिखाया था ना, पूरी अंकल के अप्रोच लगा के इन लोगों ने डैम देखा था। हम वंचित रह गए भाई उस अवसर से, पहले मिल गए होते तो पहले देख लेते हम। तो हिमाचल प्रदेश ने हमारा स्वागत कर दिया है भाई, और यहाँ पे अपन कटा रहे हैं पर्ची। मेरे ख्याल से 50 रुपये के आसपास की पर्ची कटेगी शायद, देखते हैं कितने की कटेगी। साइकिल वाले अंकल जी निकलेंगे तो अपन पर्ची कटाएंगे। तो सेकंड ब्रेक के लिए जो रुके हैं, मतलब प्रॉपर खाने के लिए, तो भाई हम KFC पे रुके हैं। ये सब बर्गर वर्गर, मीनू ने तो अपना डोसा लिया, बाकी हम सब ने बर्गर लिया है। और आज का शाही खाना हमने एक टाइम का तो खा ही लिया। मीनू इसके ऊपर कुछ कमेंट्स? नो कमेंट्स। बाकी जो कच्ची दारू बना के लाए घर से, हाँ कच्ची पियोगे, ठेके से नहीं पियोगे? अच्छा बाजार हो जाएगी तो मैं घर की पीनी है भाई। एक चीज़ प्रैक्टिस में आप लोग कर सकते हो, जो भी आपका रास्ते भर का कचरा है उसको एक गार्बेज बैग में इकट्ठा करो, और जहाँ भी जगह मिले, जैसे यहाँ पे हमारे को जगह मिल गई है ये डस्टबिन, तो अपन यहाँ पे इसको डंप कर देंगे रास्ते में, कहीं पे भी नहीं फेंकते अपन। जहाँ रुके थे भाई ये ऊना है जगह, मतलब बहुत बढ़िया एक सिटी है, साफ़ सुथरी एकदम नीट एंड क्लीन, और यहाँ पे अच्छे शोरूम्स, अच्छे बेकरीज, और यहाँ डिटेलिंग डेविल तक भी है यहाँ पे जो रास्ते में दिखा था, बाकी दाएं बाएं तो जो भी होगा होगा। बहुत ही एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और साफ सुथरी सिटी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। कितनी अच्छी है ये जो सामने जो जा रही है ना भाई गाड़ी, ये गाड़ी तो इनोवा लोगो लगा रखा है इसने लेक्सस का, और एक जॉन डियर का लोगो लगा रखा है। साइलेंसर नीचे ऐसे लगा रखे हैं जैसे चार चार इम्पोर्टेड गाड़ी वाले जो होते हैं भाई, पता ही नहीं क्या करना चाह रहा है इस गाड़ी के साथ यार। खैर पंजाब में शौकीन तो होते हैं लोग, सबसे पहले गाड़ी लेते टायर चौड़े लगवाते हैं, गाड़ी से बाहर निकलते हुए टायर होने चाहिए। तो पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हो गई भाई थोड़ी थोड़ी, और रास्ता बिल्कुल ऐसा है जैसे अल्मोड़ा से रानीखेत जाता है ना वैसा सही रास्ता है। दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है, पूरा ग्रीन है एकदम ग्रीन। ये देखो सामने थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ भी दिखने लग गई, साफ सफाई तो बहुत है भाई, बहुत ही बिल्कुल मतलब एकदम नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरी सड़कें हैं। और यहाँ जो छोटे छोटे कस्बे आ रहे हैं ना वो भी बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड कस्बे आ रहे हैं, साफ सुथरे घर, बढ़िया सड़कें हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया एरिया भाई। भाई शाम के 6:30 बज गए हैं और हम लोग अभी रुके हैं यहाँ पे रास्ते में, अपन धर्मशाला पहुँचे नहीं है, धर्मशाला से पहले ही हम लोग एक जगह पे स्टे करने के लिए रुके हैं। रास्ते में जो हम KFC रुके थे वहाँ हमारे को शर्मा जी मिले, और उन्होंने हमारे को इन्वाइट किया था यहाँ पे कि आप आओ और एक बार देखो। तो इनका है AR रियासत, ये इनका ऑन वे ये एक रेस्टोरेंट है और स्टे बना रखा है इन्होंने, मतलब एक इनकी प्रॉपर्टी प्रॉपर एक मतलब पुरानी प्रॉपर्टी है, पेरेंटल प्रॉपर्टी, उसको बहुत अच्छा डेवलप्ड किया हुआ इन्होंने। और यहाँ पे ये प्रॉपर पार्किंग है, ये पार्किंग है, ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, और ये सामने शर्मा जी गाड़ी खड़ी है, ये सामने रूम्स हैं पीछे, अभी 15-16 रूम्स तैयार हो रहे हैं, और ऊपर इनका कैफ़े और रेस्टोरेंट है। तो अपन गाड़ी को अभी नीचे उतारते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि टेंट लगाएंगे या रूम में रुकेंगे। तो भाई फाइनली डिसाइड ये हुआ है कि आज अपन रूम में रुकेंगे, टेंट लगाएंगे नहीं, क्योंकि 2-3 दिन टेंट में ही रुकना है ना मीनू, ये डिसाइड हुआ ना। जैसे हमने सुबह डिसाइड किया था कि आज तीनों टाइम का खाना बना के खाएंगे, सेम वैसे ही। तो ये इनका कैफ़े और रेस्टोरेंट है भाई, क्या शानदार तैयार कर रखा है, मतलब ये देखो बिल्कुल एंटीक ग्रामोफोन रखा हुआ है, पुरानी पुरानी चीज़ें, और फर्नीचर भी पूरा एकदम एंटीक, मतलब शानदार लुक्स हैं भाई। ये एक मैं हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी पूरे होटल का जो ओवरव्यू है वो सुबह दिन के उजाले में डालूंगा, क्योंकि अभी तो हो गया अंधेरा। ये डाइनिंग एरिया प्रॉपर, और यहाँ से इनकी एंट्रेंस है, ये यहाँ से ऑन रोड
यहाँ ऊपर से उतर के ये ऑन रोड इसकी एंट्रेंस है। तो भाई अब हमने मतलब पूरी कैंपिंग तो आज करी नहीं, लेकिन कुछ तो करेंगे ना थोड़ा बहुत। कीड़ा कहीं तो ये आज कीड़ा जो है ना, ये आज वो वाला है, सिंपल वाला कीड़ा सिर्फ। ये हम इसमें सूप बनाएंगे अभी। भाई मौसम हो गया बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया प्लेजेंट मौसम हो गया ना, तो बहुत ज़्यादा ठंड है ना गर्मी, तो खैर है ही नहीं। और इसी मौसम में बैठने का आनंद है। नीचे पास में एक नदी बह रही है, उसकी हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, और मीनू ने अपना सूप बना के पी लिया, मैगी बनाएगी, बाकी अपना छोटा मोटा प्रोग्राम चल रहा है, मज़े कर रहे हैं भाई। तो भाई मीनू की चढ़ गई है मैगी, और यहाँ पे चढ़ गई है कॉफ़ी, और यहाँ पे कट रही है सलाद। कहाँ गई सलाद हमारी? ये हमारी सलाद भाई, फुल इन्जॉयमेंट चल रहा है। तो भाई इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आज हमारे को तो बहुत मज़ा आया, आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा इस व्लॉग में। और बिल्कुल हैक्टिक नहीं रहा भाई, बिल्कुल 1% हैक्टिक नहीं रहा, बहुत बढ़िया दिन रहा, बहुत बढ़िया, मतलब पूरा रास्ता बहुत बढ़िया रहा, कहीं पे कोई अपन जाम वाम में ऐसा फंसे नहीं, हल्का फुल्का तो खैर चलता रहता है। तो हाँ मीनू कह रही हम कब पहुँच गए हमें पता ही नहीं चला। तो भाई आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं, अभी थोड़ा खाना पीना खा पी के सो जाएंगे, और मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।